नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हम असम के लोगों के लिए गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच रस्सी का रास्ता समर्पित करते हैं। यात्रा के समय को काफी कम करने के अलावा रस्सी का रास्ता शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के लुभावने दृश्य को प्रदान करेगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों के बीच अतिरिक्त सर्व परियोजना परिवहन के लिए एक सक्षम इंफ्रा परियोजना के रूप में रस्सी का रास्ता की कल्पना की गई थी। 1820 मीटर रस्सी का रास्ता 56 करोड़ रुपए में निर्मित 30 यात्रियों को एक कैबिन में समायोजित करेगा और 8 मिनट में यात्रा पूरी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।